हेलो गाइस, मेरा नाम है अजय। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बोया का M1 माइक जो है कैसा क्वालिटी होता है। मैंने अमेजोन के द्वारा मंगवाया है दोस्तों। इसका प्राइस जो है करीब 1046 रुपीस पड़े हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इनका अनबॉक्सिंग करके। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। ये इसका पैकिंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इनका पैकिंग है। और ये इसका बारकोड यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्कैनिंग करके पता कर सकते हैं ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। यहाँ से इसके खोलने के लिए दिया गया है। देख सकते हैं एक बैग मिलता है, कैरी बैग कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप बोया लिखा हुआ है, बोया का माइक है इसलिए यहाँ पे बोया लिखा हुआ है। कैरी बैग है और इसका कुछ वारंटी का कार्ड दिया हुआ है। ये इसको किस प्रकार यूज करना है सारे चीज इसमें दिया जाता है। इसको रख लेते हैं साइड में दोस्तों। चलिए तो अब हम माइक को देखते हैं। ये इसका कैरिंग बैग है। और ये इसका माइक है दोस्तों। इसका वायर जो है करीब 20 फीट लंबा होता है, जिसको आप दूर भी ले जाके वीडियो शूट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों और इसमें क्या सब है। ये इसलिए दिया जाता है दोस्तों, आप देखते होंगे कई सारे फैन हो चाहे इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान हो, आपको ये पाउच मिल जाता है दोस्तों। ये इसलिए होता है ताकि आसपास जो इसके वायु का जो पेपर होता है, जो वाष्प होता है, उसको ये अपने अंदर कैर कर ले और आपके जो भी सामान है इलेक्ट्रॉनिक उसमें कोई तरह की इफेक्ट ना हो। तो देख सकते हैं दोस्तों ये इसमें एक जेक मिला है। ये दिखाते हैं इसका पैकिंग बहुत ही अच्छा से किया गया है। ये रहा, ये है माइक का और ये इनका बैटरी है। अगर आप DSLR में लगा के शूट करना चाहते हैं तो आपको इस माइक में जो है बैटरी फिट करना पड़ता है। तो आपको मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। बैटरी है, उसके साथ ही ये और भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जैक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है पिन, यानी कि आपके कॉलर में या फिर आप अपने टी शर्ट में फंसाने के लिए जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत हार्ड है दोस्तों क्योंकि न्यू है इसलिए, और बहुत मजबूत है, मजबूत भी। आप इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये माइक है दोस्तों और इनका वायर देख सकते हैं काफी लंबा है, इसमें केयर किया गया है और आगे भी कुछ है। और ये इसका रियल माइक है। इसमें दोस्तों ये आपको अटैच करने हैं यहाँ होते हैं, ये इस तरह से कुछ लॉक हो जाता है दोस्तों। फिर जब बाहर निकालने का मन हो आप यूं बाहर निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। उसके बाद दोस्तों मैंने जैसे कि इसके बारे में बताया था, ये आपको इसके ऊपर इसके आगे इस तरह से कुछ लगाना है। ये माइक हो चुका है तैयार रिकॉर्डिंग के लिए। आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों। एक तो एक स्विच है एक कैमरा के लिए और दूसरा स्मार्टफोन के लिए। स्मार्टफोन में जब यूज करना है दोस्तों इसका जो है बटन को नीचे रखना है, और अगर आप DSLR माइक या कैमरा DSLR कैमरा में अगर यूज कर रहे हैं तो आप इनको इस बटन को ऊपर की ओर रखें। तो आपको दिखा देते हैं दोस्तों इसका बैटरी किस जगह
आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर जो है बैटरी लगाने का एक हॉल दिया हुआ है जिसमें आपको ये बैटरी जो है लगाना, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैटरी भी दिया गया है साथ में। तो फिलहाल हम जो है अपने मोबाइल फोन में यूज करेंगे तो इसके लिए हमें बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, अब इसको फिर से हम लॉक कर देते हैं, इसको लॉक कर दिए दोस्तों। और इसको बड़ा करने के लिए, क्योंकि मेरा फोन थोड़ा 1.5 से 2 फीट आगे सामने है, मतलब थोड़ा दूर है, तो इसके लिए मैं थोड़ा इसका वायर बड़ा कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं ये काफी बड़ा हो जाता है। और मैं अब इसको फिट कर लेता हूँ अपने टी शर्ट में, यहाँ पे मैंने फिट कर लिया दोस्तों। और अब मैं इसका जैक जो है, ये रहा इनका जैक, इनको फिट कर देता हूँ अपने मोबाइल फोन में। और आप बताइए दोस्तों, इनका जो है अभी मैंने फिट नहीं किया है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों मैंने। तो फाइनली दोस्तों अब लग गया है बोयाबा F1 का माइक हमारे मोबाइल फ़ोन से। और अब आप देख सकते हैं इनकी साउंड क्वालिटी पहले से कितना अच्छा हो गया है। पहले आप साउंड क्वालिटी हमारे मोबाइल फ़ोन का सुन रहे थे दोस्तों, अब आप बोयाबा M1 माइक का सुन रहे हैं। इनकी और विशेषता है दोस्तों, इनका वायर काफ़ी लंबा होता है, यानी कि आप काफ़ी दूर रह कर भी अपने वीडियो को शूट कर सकते हैं, वो भी अच्छे साउंड क्वालिटी में। और इनकी विशेषता यह भी है दोस्तों, ये आस पास के नॉइज़ को बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।